नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ वैशु। वैशु एट लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी के मंचूरियन। इसे बच्चे से लेके बड़े तक काफी पसंद करते हैं और बिल्कुल आपको होटल जैसा स्वाद आएगा। आसानी से घर में सस्ते में मस्त बन जाते हैं ये। तो आइए हम जान लेते हैं इसमें लगने वाली सामग्री के बारे में। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम पत्ता गोभी लिए है, इसे इससे ग्रेट कर लिए है, ये भी यूज कर सकते है। एक कटोरी मैदा, आधा कटोरी कॉर्नफ्लावर, एक चम्मच मंचूरियन मसाला, एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, यहाँ पे मैंने आधा चम्मच सोया सॉस, आधा अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, फूड कलर रेड कलर, हरी मिर्ची 4-5। तो आइए हम इसका डव तैयार कर लेते हैं। इसे अच्छे से धोना है आपको और इसका पानी अच्छे से निचोड़ के निकालना है। अच्छे ड्राई ड्राई रहने चाहिए, नहीं तो इसमें पानी रहता ही है इसका, इसमें पानी ऐड नहीं करना है। तो मैं मैदा डालूंगी सबसे पहले। कॉर्नफ्लावर से ज़्यादा मैदा डालिए, नहीं तो कॉर्नफ्लावर चिपकता नहीं पत्ता गोभी को, ये अलग छोड़ देता है। कॉर्नफ्लावर उससे आधी क्वांटिटी में लेना है। हरी मिर्च डालूंगी एक चम्मच, मंचूरियन मसाला एक चम्मच, स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट एक चम्मच, को चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, सोया सॉस आधा चम्मच। तो हम इसे मिलाएंगे अच्छे से, अच्छे से मिलाएंगे तो इसी का पानी छूट जाएगा पत्ता गोभी में। कलर डालेंगे, तो इस तरह हमारा डव तैयार हो गया है। तो हम इन्हें अभी तलने की शुरुआत करते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है, अभी हम एक एक करके डालेंगे। मैं इसके गोल गोल बॉल्स नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये क्रिस्पी बनना चाहिए, क्रंची बनना चाहिए अच्छे से, तो इसके राउंड राउंड शेप में बॉल्स नहीं बनाऊंगी, वैसे ही डाल दूंगी। इसे मीडियम आंच में तलेंगे। आप अपने हिसाब से रखिए, छोटा बड़ा रख सकते हैं। तो इस तरह हमने सारे बॉल्स डाल दिए हैं, मीडियम आंच पे पकाएंगे, ज्यादा बड़ा आंच नहीं करेंगे, नहीं तो अंदर से वो नरम रहेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। हम इन्हें एक बार पलटाएंगे, देखिए इस तरह। अच्छे से होने देंगे इसे। तो इस तरह हमारे बॉल्स बन चुके हैं, देखिए हमने बीच बीच में चलाए थे इन्हें, अच्छे क्रंची है। हम इन्हें बाहर निकालेंगे। तो इस तरह हमारे बॉल्स बन गए हैं, देखिए कितने क्रिस्पी है, इस तरह क्रंची बने हैं। इस तरह तलना है इन्हें। तो मंचूरियन की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक शिमला मिर्च, 3-4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच टोमेटो सॉस, 4-5 लहसुन की कलियाँ इसे चॉप कर लिए है, रेड चिली पाउडर आधी छोटी चम्मच, एक चम्मच रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस एक चम्मच, मंचूरियन मसाला एक चम्मच, थोड़ा सा नमक, नमक हम कम ही डालेंगे, जब ही डाले थे हमने बॉल्स में, और मसालों में नमक रहता ही है, और पत्ता गोभी आधा कटोरी। तो आइए हम ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक बड़ा चम्मच मैंने ऑयल लिया है, तेल गरम हो चुका है, गैस लो रखा है। सबसे पहले हम लहसुन डाल देंगे,
प्याज डाल देंगे। अच्छे से मिलाएंगे इन्हें। हरी मिर्च डाल देंगे, एक चम्मच पिसा हुआ अदरक है ये, इसे अच्छे से होने देंगे, थोड़ा मीडियम आंच करेंगे। डालेंगे इसमें नमक, लाल मिर्च, सोया सॉस, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं सोया सॉस, तो अच्छा रेड रेड दिखना चाहिए इसलिए मैं एक ही चम्मच डालूंगी। चिली सॉस, रेड चिली सॉस, टोमेटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस, अभी हम इन्हें अच्छे से मिलाएंगे, गैस का फ्लेम लो रखेंगे। यहाँ पर मैं एक चम्मच कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ और ये मंचूरियन मसाला एक चम्मच, हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो इसका घोल तैयार करेंगे। इसका घोल तैयार हो चुका है, अभी हम डालेंगे इसमें पत्ता गोभी। शिमला मिर्ची, थोड़ा सा मैं इसमें रेड कलर ऐड करूंगी। कॉर्नफ्लावर का और मसाले का हमने घोल बनाया वो डाल देंगे। अभी हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी हम डालेंगे इसमें बॉल, हम इसकी ग्रेवी ड्राई रखेंगे, ज्यादा ग्रेवी नहीं बनाएंगे। मैं आपको जल्दी ही ग्रेवी वाले मंचूरियन बताऊंगी। गैस हम ऑफ कर देंगे। तो इस तरह हमारे मंचूरियन बन गए हैं, देखिए कितना प्यारा कलर है और खाने में भी उतने ही टेस्टी है। ठीक है, सॉस के साथ पत्ता गोभी डाल के देखिए, बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल होटल जैसे, और सस्ते में मस्त बनते हैं और आसानी से भी बन जाते हैं, आप भी बनाइए घर पे। तो गाइस, आज पत्ता गोभी मंचूरियन कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप भी बनाकर देखिए, सस्ते में घर में अच्छे बन जाते हैं, आपको बिल्कुल होटल जैसा इस मंचूरियन का स्वाद देगा, और आप भी बनाकर देखिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।